और देखिए कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल को अरेस्ट कर लिया गया। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी, सबूत मिटाने, एफआईआर में देरी, ये है इन पर। और आपको ये भी बताएं कि संदीप घोष को करप्शन के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अब उन्हें सीधे रेप मर्डर केस में अरेस्ट किया गया, यानी दो चार्ज हो चुके हैं। वित्तीय अनियमितताओं वाले मामले में तो उनकी गिरफ्तारी थी ही, लेकिन एक और मामला उसमें एड ऑन है। रेप मर्डर केस से उनकी एक कनेक्शन को लेकर के आज उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। दो गिरफ्तारी हुई है, एसएचओ अभिजीत मंडल जिसकी भूमिका संदेह के घेरे में थी, और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेशी होनी है। तमाम जो अब जांच की प्रक्रिया है आगे बढ़ते नजर आ रहा है। वरुण जैन का रुख करेंगे दिल्ली से और जानकारी लेते हैं कि सीबीआई के एक्शन से अब जाके कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर जांच की लंबी प्रक्रिया, अब इसके बाद आगे क्या, किस तरीके से समझा जाए आगे के प्रोसेस को। वरुण, से करीब 150 घंटे तक इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ की थी। 10 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया था, जिसमें संदीप घोष का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। लगातार सवाल उठ रहे थे, आखिरकार जीडी एंट्री में इतनी देरी क्यों हुई, एफआईआर करीब 12 घंटे बाद क्यों दर्ज हुई, क्यों सैकड़ों की संख्या में लोग जो घटनास्थल पर वहां पर पहुंच गए थे, क्यों उनको रोका नहीं गया। उसी को लेकर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही थी और जो संदीप घोष और जो बाकी लोग हैं उनके डायरेक्ट कनेक्शन को तलाशने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार देर रात को सीबीआई ने संदीप घोष और साथी जो ताला पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स इंचार्ज है ओसी यानी कि एसएचओ अभिजीत मंडल, इन दोनों की भी गिरफ्तारी डाल दी है। यानी कि अब तक इस रेप और हत्या का जो मामला है इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संजय राय मुख्य आरोपी है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और साथी जो ओसी जो कि थाने के जो इंचार्ज थे अभिजीत मंडल, इनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि संदीप घोष भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और जेसी पर है, इसलिए सीबीआई की तरफ से कोर्ट में इनको रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसे कोर्ट ने अलाउ किया था। यानी आज इनको जेल से सीधा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर सीबीआई इनको रिमांड पर लेगी और साथ ही अभिजीत मंडल जिनको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है उनको भी कोर्ट में पेश करके सीबीआई रिमांड पर लेगी। जी बिल्कुल। और प्रकाश सिन्हा कोलकाता से जुड़े हैं। प्रकाश, ये किसी से नहीं छुपा है, इतनी लंबी पूछताछ जांच में सीबीआई को ऑलमोस्ट इन दोनों ने छकाया ही है, अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी और आज पेशी, रिमांड मिलने के बाद क्या चीजें संभव हो सकती हैं? और इसके अलावा इन दोनों के भी तो लीगल टीम होगी, उनकी तरफ से भी तो पूरी प्रिपरेशन देखी जा रही है, तभी तो इतना लंबा वक्त लगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पहले दिन से जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कयास और आशंका जताई जा रही है कि अकेले संजय राय ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, यानी कि बलात्कार करना उसके बाद खून करना। पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि कई लोग शामिल है और पहले दिन से ही ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि संदीप घोष जो उस वक्त प्रिंसिपल थे उन्होंने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। ना सिर्फ दबाने की कोशिश की, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के जो लॉयर हैं वो खड़े होकर बोलते हैं कि वहाँ क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया, वहाँ एविडेंस टैम्पर किया गया। लगातार पूछताछ हुई संदीप घोष उनसे, लगभग 150 घंटे तक पूछताछ की गई। टाला थाना के जो प्रभारी जिनको गिरफ्तार किया गया अभिजीत मंडल, उनको भी लगातार 3-4 दिन बुलाकर पूछताछ किया गया। ऐसा भी देखने को मिला कि बीच में तबीयत खराब होने का बहाना सामने लाकर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, अस्पताल उनको बिल्कुल प्रकाश जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि लीगल मदद की, क्योंकि एसएचओ की भूमिका क्या रही होगी, उसने किस तरीके से सबूतों को बचाने में मिटाने में मदद करी या नहीं, ये तमाम चीजें हैं जो बहुत बड़े आरोप हैं और संदेह के घेरे में। इस पर क्लैरिटी कब आएगी इसे देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहें।